राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के मास्टर स्ट्रोक के आगे विपक्ष बेबस नज़र आ रही है। द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आने के बाद से विपक्षी खेमे की धार कुंद होती दिख रही है और पलड़ा एनडीए का भारी होता जा रहा है। सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष की बैठक हुई और बातें आगे चली। नाम भाजपा के और एनडीए के जो प्रत्याशी थे उनका नाम जो है बाद में, हमको लगता है अगर पहले अगर नाम वाम आता तो शायद चीज़ें हो सकती थी, बदल सकता था, लेकिन हम लोग विपक्ष के लोग हैं और जब विपक्ष ने सामूहिक रूप से कोई निर्णय लिया है तो उसके साथ हम लोग जो है खड़े हैं। राष्ट्रपति चुनाव में तमाम विपक्षी दलों ने अपना एक उम्मीदवार चुना है और उनके 15 तारीख को आगमन है, तमाम एमएलए से वो मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम विपक्ष पे तो हैं ही और विपक्षी दलों की एक बैठक थी जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता प्रतिपक्ष ने किया है, तो उसमें आना था। इससे इतर इससे आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं, वो तो एक डिबेट का बहस हो चुका है, वो अलग बात है कि राष्ट्रपति चुनाव सर्वसम्मति से हो ना हो, हो ये रहा है कि जो पक्ष में है, जो सरकार है, उस सरकार ने अपनी नियति कभी भी ठीक नहीं रखी है। नियति का मतलब है कि उसका दिल बड़ा नहीं होता है, उनको पहले अपने नाम पेश करने चाहिए थे, विपक्ष के लोगों से बातचीत करना चाहिए, तो उस परंपरा को कायम करने वाले लोग ही नहीं हैं। तो अब उन लोगों ने कर दिया तो हम लोगों का तो पहले ही डिक्लेयर था। राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट तो अब सामने आ चुके हैं लेकिन आपके कई सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं, तो राहें कठिन है? नहीं, राहें तो बिल्कुल कठिन है। हमने एक स्थापित सत्ता के विरुद्ध में एक उम्मीदवार उतारा है और हम सब लोग यशवंत सिन्हा के सपोर्ट में हैं, पूरा देश का विपक्ष उनके सपोर्ट में है। अब किसी को इधर उधर करना अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रपति को जिता करके जो भी मोदी सरकार के खिलाफ हैं तो उनकी क्रेडेंशियल तो यहीं पे स्पष्ट तौर पे दिखाई देगी कि उनका क्रेडेंशियल क्या है, वो मोदी सरकार की नीतियों के विरुद्ध में कितना है। हम तो मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ है ना, मोदी सरकार अपनी नीतियों के समर्थन में किसी आदिवासी व्यक्ति को खड़ा कर देगा, किसी दलित व्यक्ति को खड़ा कर देगा, तो उसकी पॉलिसी थोड़ा सही हो जाती है। हम तो मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनके नीतियों के विरुद्ध में जो होगा वही हमारा प्रत्याशी होगा। ऐसे में हम समझते हैं कि यशवंत सिन्हा सबसे माकूल हमारे उम्मीदवार हैं और हम उनके समर्थन में। क्या आप लोगों को अफसोस नहीं है कि दलित अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट को आप लोग वोट नहीं करेंगे? जिनके राज में दलित महिलाओं की अस्मत लूटे गए, उन्नाव जैसे भयानक हादसे इस देश में हुए और उस पर प्रधानमंत्री ने एक बात कभी नहीं बोला, कभी कुछ नहीं किया, योगी आदित्यनाथ ने कभी नहीं बोला। आप समझते हैं कि वो आदमी एक सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स करके एक आदिवासी महिला को ला करके और वो चाहता है कि सबको साथ लें, जबकि आप देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर आदिवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अडानी को आदिवासियों की ज़मीन छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक सब जो है वो दे दिया गया। तो ऐसे में हम तो ऐसा नहीं समझते हैं कि किसी व्यक्ति को दे देने से बहुत कुछ हो जाने वाला है। हम समझते हैं कि हम लोग नीतियों के खिलाफ जो है हम तय करते हैं अपने फैसले, तो हमने तय किया है। हम लोग तनिक भी परेशान नहीं हैं क्योंकि हम बीजेपी के नीतियों के खिलाफ यशवंत सिन्हा जी को समर्थन कर रहे हैं और ये चलता हमारा जारी रहेगा। ये उनको तकलीफ है, अफसोस नहीं तकलीफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक शेड्यूल ट्राइब की महिला को इन्होंने बनाया है कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए। उनको अफसोस है, तकलीफ है कि कैसे सही काम किया और वो क्यों नहीं कर पा रहे, इतना ही मामला है बस। देखिए अब तक जितने इलेक्शन हुए, कई इलेक्शन तो यूनैनिमस हो गए, एक तरफ से हो गए, जितने इलेक्शन हुए उसमें हाईएस्ट मार्जिन इसी बार होने वाला है क्योंकि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बीजेपी का बहुत ही अच्छा है। बल्कि आपको इतना बताते हैं, आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में कई दूसरी पार्टियाँ जो अचुप हो गई हैं पहले से, वो सब के सब अनाउंस करने वाली हैं कि हम लोग वोट करेंगे इसी बीजेपी कैंडिडेट। उन्होंने कई बार बातें हुई हैं, बल्कि हमारे जानते में बीजेपी ने सब लोगों से बात किया है, सब लोग अपना अपना राग अलाप कर रहे थे और समझ रहे थे कि मैं जीत जाऊंगा, बीजेपी से क्यों बात करूं। यही मसला है कि उनको क्या कहते हैं, ये लगा कि हम इस बार जीतेंगे जीतेंगे, कई लोगों को लग रहा था, तो उन्होंने जो सबसे सुटेबल कैंडिडेट लग रहा था उसको दिया उन्होंने, और वो हारेंगे इतने वोट से कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। विपक्ष की व्यवस्था तो साफ दिख रही है,
एक तरफ वो अगर विपक्ष के कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा जी, तो यशवंत सिन्हा जी के बीच में या यशवंत सिन्हा जी को ले करके एकजुटता दिखाने की कोशिश तो विपक्ष कर रहा है कि हमारी अपनी ताकत है और राष्ट्रपति के चुनाव में चीज़ों को हम तय करेंगे, हमारा कैंडिडेट जीते नहीं जीते लेकिन हम मजबूती से लड़ेंगे, और विपक्षी एकता की वो मिसाल भी पेश करना चाहते हैं। लेकिन एनडीए ने जो कैंडिडेट का चयन किया, वो कैंडिडेट का जो चयन है वो विपक्षियों के लिए एक, आज मैं कह सकता हूँ कि वो एक इनके सामने किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति बन गई है। कैंडिडेट जो हैं वो महिला हैं, कैंडिडेट जो हैं वो दलित हैं, आदिवासी हैं, तो दलित आदिवासी महिला पृष्ठभूमि का होने की वजह से सीधे सीधे कैंडिडेचर पर कोई ये अटैक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट ऐसी चुनी गई हैं जो इनके राजनीति के आधार रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि हम महिलाओं की आवाज़ बनना चाहते हैं, तो एक महिला प्रतिनिधि के तौर पर वो राष्ट्रपति हाउस जाना चाह रही हैं, अगर वहाँ पर वो सीधे सीधे विरोध करते हैं तो एनडीए को एक अटैक करने का मजबूत मौका मिलेगा कि ये महिला विरोधी हैं, देख लीजिए इनका चरित्र। अगर एक महिला को हमने राष्ट्रपति के तौर पर देश के सामने रखा तो ये कैसे विरोध कर रहे हैं। जो आदिवासी जो पृष्ठभूमि से आती हैं, दलित पृष्ठभूमि से आती हैं, जो ये बात करते हैं कि हम दलितों वंचितों शोषितों की आवाज़ बनेंगे, हमारी पार्टी उनकी आवाज़ है, तो एक दलित वंचित और एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का पद को सुशोभित करने जा रही है, वहाँ पर भी इनकी आवाज़ कुंद पड़ गई है, कमज़ोर पड़ गई है विपक्ष की। स्टैंड क्या है राजद और कांग्रेस? नहीं, स्टैंड है कि ये यशवंत सिन्हा को तो सपोर्ट करेंगे, इसलिए सपोर्ट करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा है कि 15 तारीख को आ रहे हैं और उन्होंने वाम दलों को और अपनी पार्टी को कहा है कि सारे लोग रहेंगे, यशवंत सिन्हा के साथ ये बात करेंगे, तो यशवंत सिन्हा को वोटिंग तो करेंगे लेकिन अटैकिंग नहीं होंगे। अटैकिंग इसलिए नहीं होंगे कि वो बड़ा कैलकुलेटिव राजनीति विपक्ष कर रहा है, और ख़ास करके आरजेडी बिहार में और कांग्रेस, लगता है कि कहीं इसका मैसेज महिला विरोधी होने का तो नहीं चला जाए, कहीं ये दलित विरोधी और आदिवासी विरोधी होने का तो नहीं चला जाए, इसलिए बड़ा फूंक फूंक करके कदम रख रही। हाँ, एनडीए जो है, एनडीए ने कैंडिडेट उतारने में थोड़ी देर की, और ये विपक्ष कह भी रहा है कि शायद कैंडिडेट पहले घोषणा हो जाती तो हम लोगों की राय कुछ और बनती, लेकिन कैंडिडेट देर से उतारा गया, इसलिए अब हम लोग अपनी एकजुटता दिखाएंगे। लेकिन वहाँ एकजुटता दिखाने की ज़रूरत ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपनी विवशता भी इनका सामने आ रहा है या दिखा रहे हैं कि वो महिला विरोधी हम नहीं हैं, दलित और आदिवासी विरोधी नहीं हैं। अदरवाइज जो इनके बेस वोट हैं, चाहे वो बिहार का इलाका हो या झारखंड का इलाका हो, जहाँ पर ये समझते हैं कि हम अपने तरीके से उस वर्ग को अट्रैक्ट कर पाते हैं, थोड़ा सा भी कोई बयानबाजी इनके नेताओं की या इनकी होगी तो उसकी वजह से वो वोट खिसक जाने का डर है, इसलिए बड़ा ही फूंक फूंक करके कदम उठा रहे हैं। विपक्षी एकता भी इन्हें दिखानी है और इन्हें ये भी साबित करनी है कि हम आदिवासी दलित महिला विरोधी भी नहीं हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष धर्म संकट की स्थिति में है। द्रौपदी मुर्मू का नाम आने के बाद से विपक्षी खेमे में कन्फ्यूजन की स्थिति है। तेजस्वी यादव जहां इस बात को लेकर अफसोस कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने कैंडिडेचर अनाउंस करने में देर कर दी, तो वहीं कांग्रेस को इस बात का दुख है कि द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आने में देरी हो गई और सर्वसम्मति बनाने की कोशिश नहीं हुई।